नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद जारी बवाल के बारे में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एसटीईटी के रिजल्ट में अभ्यर्थी ऋषिकेश की जगह साउथ के फिल्मों के सुपर स्टार अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर जारी होने के मामले में अब बोर्ड ने सफाई अपनी दे दी है। इस सफाई से लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण की गाज अभ्यर्थी ऋषिकेश पर गिर सकती है। बोर्ड ने उसे ही जिम्मेवार ठहराया है। बिहार बोर्ड के बयान जारी कर कहा है कि अभ्यर्थी को स्वयं परीक्षा फॉर्म भर रहा था। ऋषिकेश कुमार ने फॉर्म भरते समय अपने फोटो की जगह दक्षिण अभिनेत्री की फोटो अपलोड किया था। बोर्ड द्वारा त्रुटि सुधार का कई बार मौका भी दिया गया, लेकिन ऋषिकेश ने सुधार नहीं किया। अभ्यर्थी ने जानबूझकर बोर्ड की छवि धूमिल की है। ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा ऋषिकेश की एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी को रद्द किया जा सकता है। उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी करने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 की यह रिजल्ट शीट वायरल हो गई है। रिजल्ट शीट में एक पुरुष अभ्यर्थी की जगह तस्वीर एक दक्षिण भारतीय मशहूर अभिनेत्री की लगी है। गुरुवार की सुबह यह मामला सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। इस मामले के सामने आने पर राज्य सरकार ने भी संज्ञान में लिया और इसकी जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि जहानाबाद के एक अभ्यर्थी ऋषिकेश कुमार ने एसटीईटी की परीक्षा दी थी। उनके पिता का नाम रिपुसूदन प्रसाद है। इनका रोल नंबर 2203425 है। उनके रिजल्ट शीट पर सारी जानकारी सही है, लेकिन इस पर ऋषिकेश की जगह साउथ की अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरम की फोटो लगी हुई है। अभ्यर्थी एसटीईटी के मेरिट लिस्ट में भी आ चुका है। जहानाबाद के ऋषिकेश कुमार के मामा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि फॉर्म भरने के समय सही फोटो लगाया गया था, लेकिन प्रवेश पत्र में गलत फोटो लग गया था। उसके लिए बोर्ड ने सुधार का भी मौका देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सुधार नहीं हुआ। ऋषिकेश कुमार ने बताया कि एसटीईटी के प्रवेश परीक्षा में यह गलती हुई थी। जब प्रवेश पत्र मिला था उस समय अभिनेत्री की फोटो लगी थी। उसके बाद मैंने बोर्ड से संपर्क किया। बोर्ड प्रशासन ने फोटो सुधार करने का मौका देने का आश्वासन दिया था, लेकिन परीक्षा नजदीक थी। इसके लिए बोर्ड ने अनुमति पर परीक्षा में शामिल हुआ। बोर्ड ने कहा था कि परीक्षा होने के बाद फोटो में सुधार होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के सचिव ने कार्रवाई की बात कही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस मामले पर कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिहार बोर्ड अध्यक्ष को मैंने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग एक माध्यम है और बिहार बोर्ड का काम परीक्षा लेना है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट को लेकर अभी तक किसी गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। इसी तरह एक मामला साल 2019 में भी सामने आया था। साल 2019 में भी जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया था। दरअसल लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED की जूनियर इंजीनियर की बहाली में मेरिट लिस्ट में सन्नी लियोन का टॉप बताया गया था। आपको बता दें कि बहाली के लिए 17,000 आवेदकों में सनी लियोन 98.5% स्कोर लाकर मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर आई थी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये सनी लियोन है कौन। इसके बारे में विभाग को भी पता नहीं था। इस रिजल्ट में तीसरे नंबर पर भी BBCXZ नाम का अभ्यर्थी था। आपको बता दें कि उस समय इसका मेरिट लिस्ट नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया था। तो बिहार बोर्ड लगातार इस तरह के मामलों को लेकर सवाल के घेरे में आता रहा है और लगातार बिहार के जो योग्य छात्र हैं वो इस सिस्टम में पिसते रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।